चंबा मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी की निगरानी में ऑक्सीजन प्लांट और ऑक्सीजन की सिलेंडरों पर रखी जा रही है नजर। इस बारे जानकारी देते हुए चंबा मेडिकल कॉलेज के उप प्रधानाचार्य पंकज गुप्ता ने बताया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की बहुत ही आवश्यकता है, तो ऐसे में ऑक्सीजन सिलेंडरों की पूरी जानकारी रखी जा रही है ताकि ऑक्सीजन के सिलेंडरों का सही ढंग से उपयोग हो सके। इसके लिए ऑक्सीजन प्लांट और सिलेंडरों को रखने के स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं इस दौरान उन्होंने बताया कि चंबा का ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुका है और यह प्लांट काफी हद तक चंबा में ऑक्सीजन की समस्या को समाप्त करने में कारगर कदम साबित हुआ है, लेकिन अभी कोरोना काल है और हमें रोजाना लगभग 200 ऑक्सीजन सिलेंडरों की आवश्यकता रहती है, जिसके लिए जिला से बाहर से भी ऑक्सीजन के सिलेंडर मंगवाए जा रहे हैं। वहीं कोरोना रोगियों के खाने को लेकर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बताया कि पिछले दिनों इसको लेकर कुछ शिकायतें आई थी, लेकिन अब इस समस्या को समाप्त कर दिया गया है और अब कोरोना रोगियों को पौष्टिक खाना दिया जा रहा है। कोविड की हमारे पास प्रॉब्लम शुरू हुई और उसमें सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, सबसे ज्यादा जो और जिससे मोर्टिलिटी भी कम होती है पेशेंट्स की, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो कोविड पेशेंट्स के लिए सबसे जरूरी है। जो भी एविडेंस आया है उसमें यही है कि पेशेंट्स को ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा किल्लत रहती है। हमारे चंबा में कोई ऐसा ऑक्सीजन प्लांट नहीं था और हमें ऑक्सीजन मंडी से मंगवानी पड़ती थी। अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हमें एक चंबा को जो एक वरदान दिया गया है और एक दिन बहुत बड़ी अचीवमेंट है चंबा के लिए, जो एक PSA प्लांट यहाँ बनाया गया और काफ़ी महंगा है PSA प्लांट ये, और इसमें हमारे पास 400 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन निकलती है जो कि यहाँ बनती है और जो हमारे वार्ड्स में मतलब जिनकी ज़रूरत होती है उनको मिलती है। अबाउट 80 सिलेंडर्स पर डे की कैपेसिटी है हमारे प्लांट की और ये दिन रात प्लांट चलता है। इसमें एक हमारी ऑक्सीजन की कमेटी, ऑक्सीजन कितनी रिक्वायरमेंट है, कितनी इसकी बची है और कितने कौन सा सिलेंडर कब आएगा, क्योंकि सिर्फ हमारे जो ये है कि सिर्फ ये ऑक्सीजन प्लांट से भी हमारी कमी, क्योंकि अभी कोविड पीक पे है तो अभी हमें सिलेंडर कुछ बाहर से भी मंगवाने पड़ते हैं। एटलीस्ट हमें 250-300 सिलेंडर और हैं जो हम मंडी और पठानकोट कंदौरी से मंगवा रहे हैं। बट जब से ये प्लांट खुला है तो हमें हमारी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इसमें बहुत हेल्प की हमारी और जैसे हमने यहाँ CCTV वगैरह भी लगाए हुए हैं। CCTVs का हमें ये फ़ायदा है कि हमें पूरा पता लगता है कि कौन सा सिलेंडर कब निकला, क्योंकि इसकी पूरी हमें एडिटिंग करनी पड़ती है, क्योंकि ऑक्सीजन आज की डेट में बहुत बहुमूल्य चीज़ है और इसकी एडिटिंग नहीं करें तो फिर कहें इसकी वेस्टेज, हमारे पूरी स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है कि इसकी वेस्टेज ना हो, फिल फ्रेज ना हो, तो उसके लिए हमने CCTV कैमराज लगाए हुए हैं। और जब से हमारे पास ये प्लांट लगा हुआ है तब से हमारे पास हमारी काफ़ी समस्याएं, अदरवाइज़ हमें वेट करना पड़ता था, गाड़ी कहीं बीच में कोई रास्ता रुक गया, कभी गाड़ी ख़राब हो गई, तो अभी भी वैसे गाड़ियां हमारे पास डेली 2-3 जाती हैं और 2-3 आती हैं, लेकिन हमें जब से ऑक्सीजन प्लांट हमें मिला है तो उससे हमें काफ़ी समस्या पूरी मतलब हमारी समाधान हो गया है। और आने वाले टाइम में जब अगर कोविड जैसे ख़त्म हो जाता है तो ये जितना ऑक्सीजन प्लांट है ये मेडिकल के लिए काफ़ी सफिशेंट है, फिर हमें कहीं ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट ये होगा जब कोविड हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि कोविड के टाइम हमें ऑक्सीजन की बड़ी ज़रूरत रहेगी। सर, कोविड मरीजों को खाना किस तरह से दिया जा रहा है? खाने के लिए थोड़े से हमें पहले स्टार्टिंग में मामूली से इशू आए थे, क्योंकि जैसे हमारी, मैं आपको ये बता दूं कि हम पहले 15 की कैपेसिटी थी, फिर 30 की कैपेसिटी थी, अब पेशेंट बढ़ के 50 हुए, फिर अब 80 के करीब होने वाले हैं, तो हमने जनरल वार्ड्स जो हैं वो बंद करके उसकी जगह हमने उनको शिफ्ट करके मतलब उनको कम करके हमने उसमें कोविड वार्ड 4th फ्लोर 3rd फ्लोर में हमने बना दिए। हमने खाने के लिए कमेटीज़ बनाई हुई हैं, वार्ड सिस्टर्स हैं, MS हैं, वो सब चेक करते हैं। पहले थोड़ी बहुत छोटी मोटी प्रॉब्लम थी जो कि अब सॉल्व होगी और अच्छा खाना मिल रहा है। हमने 2-3 जगह से टेंडर्स लिए थे, फिर हमने जो आजकल ब्रेकफास्ट हमें इरावती से आ रहा है, हमारा जो अपना जो यहाँ ठेकेदार देता है वो भी अच्छा आजकल खाना दे रहा था। पहले मामूली सी प्रॉब्लम थी जो कि अब मोस्ट प्रॉब्ली सॉल्व होगी। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का YouTube चैनल और Facebook पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।